अच्छा यू आर एस ई एन ओ नहीं यार, एन यू। और बताओ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर जो भी कैलकुलेशन हमारी चलते हैं फॉर्मूले में, उसके लिए जरूरी नहीं कि हम इन्हीं फॉर्मूला को यूज करें। हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूला है, अलग अलग तरह के, लॉजिकल, फाइनेंशियल, टैक्स के, डेट एंड टाइम के, लिटरल, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री, कैपिटल, इंक्रीमेंट, इंफॉर्मेशन, बहुत अलग अलग तरह के फॉर्मूला। अगर आप मैनुअल कैलकुलेशन में अच्छे हैं तो आपका जो आप नोट पैड से कैलकुलेशन कर सकते हैं, वही सारी कैलकुलेशन आप एक्सेल के जरिए भी कर सकते हैं, बशर्ते आप कुछ नियमों को ध्यान में रखें। बॉड मास का रूल जैसे होगा, नॉर्मल आप कोई भी कैलकुलेशन प्लस माइनस ब्रैकेट के जरिए, इस तरह से भी फॉलो कर सकते हैं, तो आपकी सारी कैलकुलेशन जो है यहाँ से हो जाती है मोस्टली, अगर मैथमेटिक्स वगैरह। बाकी आपको ऑपरेटर्स के लिए इसके बारे में बताते हैं, तो सबसे पहले होते हैं हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर। इनसे पहले स्टार्टिंग इसी फॉर्मूला को स्टार्ट कैसे करना है, इक्वल टू से आप स्टार्ट कर सकते हैं, प्लस से कर सकते हैं इसका, और माइनस से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो जी आपको कैलकुलेशन करनी हो तो इक्वल टू से कर दिया हमने, प्लस से कर देते हैं, माइनस से भी कर सकते हैं, बट आपको माइनस के साथ वही माइनस वाले रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है जी। तो इन तीनों में से आप किसी को भी स्टार्ट कर सकते हैं, बस माइनस से, माइनस से थोड़ा सा बच के, क्योंकि माइनस वाला जो है आपकी वैल्यू को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है, तो आप इक्वल टू और प्लस अगर यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस में थोड़ा प्रॉब्लम कर सकते हैं, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव बदल सकता है। तो फॉर्मूले की स्टार्टिंग जो हमारी होती है एन कीवर्ड से होती है, उसके बाद आते हैं हमारे कैलकुलेशन के लिए, जिसमें प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, वो सब जो होता है हमारा होता है, सबसे पहले ऑपरेटर है हमारे पास ये प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई, डिवाइड का, और एक और ऑपरेटर है हमारे पास शिफ्ट के साथ सिक्स दबाए हैं तो एक कैरेक्टर है, ये है पावर का, बाकी तो आसान है, ये है पावर का। डिवाइड, मल्टीप्लाई, माइनस, तो ये हमारे ऑपरेटर हैं जो आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करने में मदद करते हैं। कोई भी आपको कैलकुलेशन करनी है, प्लस करना है तो प्लस के निशान से, ये जो हम चूज करते हैं इनको कहते हैं रेफरेंसेस या एड्रेस। तो अगर आप इसकी जगह डायरेक्ट वैल्यू देना चाहें तो दे सकते हैं, और ये जो बीच में है इसको कहते हैं ऑपरेटर जो हमारी कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। दूसरी जगह हम चूज करते हैं पावर का साइन, चार की पावर, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है आपने, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड करना है,
डिवाइड कर दीजिए बस ना। तो ये आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन में ये ऑपरेटर आपकी मदद करते हैं। दूसरे ऑपरेटर है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करते हैं, जो आपको ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट देते हैं बुलियन वैल्यू में। ये कौन से होते हैं, इक्वल टू होता है हमारा, ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ठीक है जी, ये जो ऑपरेटर है आपके जिसको मोस्टली लोग इस फॉर्मूला के अंदर यूज करते हैं, ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर की बात है। लग रहा नेट बहुत धीमा चला। अच्छा अच्छा हेलो, अब सुनाई दे रही है? हेलो हेलो सर, स्क्रीन रिफ्रेश बहुत कम हो रहा है सर। ग्रेटर देन लेस हेलो हेलो, हाँ सुन रहा हूँ सर। हेलो हेलो, हाँ तो वो हेलो, आवाज कम आ रही है मुझे भी। हेलो हेलो, हाँ जी सर, लग रहा है मेरा नेट बहुत स्लो चल रहा है। हेलो हाँ हो सकता है। हेलो राहुल जी, सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो हेलो, देवेंद्र जी, सुजीत सर तो नहीं है, उनका नेट खराब है, मैं क्लास दे रहा हूँ इसकी। संदीप तो हैं, राहुल जी का हैं, मैं राहुल बोल रहा हूँ कॉल पे सर। अच्छा ये आपका ऑफलाइन दिखा रहा है सर से, तो मैं तो कनेक्टेड हूँ, थोड़ा सा नेट आज मेरा स्लो चल रहा है। अच्छा चलिए कोई नहीं, मैं आगे करता हूँ। कोई बात नहीं, मैं आपको रिकॉर्ड देख लीजिएगा, मैनेज कीजिए, आज की बात है बस। ठीक है सर, मतलब आप रिकॉर्ड तो भेज देंगे? हाँ ठीक है जी। तो बाकी तो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स जो मैं बता रहा था आप लोगों को, लॉजिकल ऑपरेटर्स में इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन वगैरह हम ये सब
इसमें टेस्ट करते हैं, जैसे हमें कोई चेक करना हो कि कोई किससे बड़ा है कि नहीं, तो हम ग्रेटर देन का ऑपरेटर की पहली वैल्यू हमारी दूसरी वैल्यू से बड़ी है कि नहीं, तो ये बता रहा है नहीं है। अब मैंने कहा क्या ये छोटी है, लेस देन का ऑपरेटर डाल दिया, क्या हाँ ट्रू में रिजल्ट आ गया। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या देता है कि अगर ये दोनों बराबर हों तब ये फॉल्स दिखा रहा है, पर अगर मैं ग्रेट लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू देता हूँ तो बराबर में भी ट्रू दिखा देगा, मतलब छोटा या उससे बराबर या बड़ा या उससे बराबर। ठीक है जी, इसके बाद आता है सबसे बढ़िया नॉट इक्वल टू। जब ये पूछ रहा है क्या ये बराबर नहीं है, तो बराबर तो है, तो नहीं है के लिए फिर ये फॉल्स में रिजल्ट देगा। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स कुछ इस तरह से काम करते हैं। इसके बाद आता है आपका टेक्स्ट के लिए एक ऑपरेटर है हमारे पास, इसको बोलते हैं कंकैटिनेशन। और ये एंड के साइन से चलता है। अब देखिए वैसे तो कंकेटिनेट का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास दो सेल में वैल्यू है इनको एक साथ करना है, तो हमें एंड का फॉर्मूला लगाया, एंड ऑपरेटर लगाया, तो ये दोनों को एक साथ कर दिया। तो ये ऑपरेटर है क्योंकि ये वैल्यू के इन दो रेफरेंसेस के बीच में लगता है, इनको एड्रेसेस या रेफरेंसेस बोलते हैं, जो हमारा आई टेन या जे टेन जो भी दिखा रहा है उसके बीच में जो लगने वाला है ये ऑपरेटर है। और ये टेक्स्ट के लिए ऑपरेटर है स्पेशली जो कंकेटिनेट करता है। अब मुझे इसके बीच में अगर स्पेस चाहिए तो मैं मैनुअल कोई भी टेक्स्ट फार्मूला के बीच में टाइप करना है तो आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर देना पड़ेगा, बट ऑपरेटर से जैसे प्लस 10 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे करते हैं, तो कंकेटिनेट करना है उसको भी एंड एंड बार बार देना पड़ेगा। ठीक है जी, हालांकि इसके लिए हमारे पास फार्मूला भी है कंकेटिनेट का, जिसमें आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज दे सकते हैं। और अगर इसमें आपको वो चाहिए तो टेक्स्ट वन कॉमा टेक्स्ट टू कॉमा टेक्स्ट थ्री दिखा रहा है, तो हमें टेक्स्ट टू को स्पेस लेना पड़ेगा फिर एक कॉमा देना पड़ेगा, तो ये काम आपका कर जाता है। ठीक है जी, ये हमारा ऑपरेटर जो कि आपके एक्सेल में यूज होते हैं। इसके बाद बात करते हैं लॉजिकल फॉर्मूले, एंड फॉल्स इफ एरर नॉट और ट्रू, ये लॉजिकल फार्मूला है जिसमें से एक है हमारा इफ का फार्मूला जो कि मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि इफ का फार्मूला क्या करता है, पहले लॉजिकल टेस्ट लेता है इसका कि ट्रू क्या ये इससे बड़ा है दूसरी वैल्यू से, लॉजिकल टेस्ट में मैंने दे दिया जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में आएगा। नेक्स्ट पैरामीटर है वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ ट्रू में मैंने वो चीज देनी है कि अगर इस लॉजिकल टेस्ट का रिजल्ट ट्रू निकला तो इसे क्या दिखाना है। मैंने इसे कह दिया ग्रेटर, और दूसरा पैरामीटर है वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये आता है तो क्या दिखाना है, तो स्मॉलर। ठीक है जी, जैसा भी रिजल्ट होगा आपका इसके अकॉर्डिंग आपको दिखाएगा। ठीक है जी, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स, तो बेसिकली ये इफ का फॉर्मूला आपका ये करता है। नेक्स्ट आते हैं एंड का फॉर्मूला। अब देखिए कंडीशंस जो इवेल्युएशन होती है हमारी लॉजिकल फॉर्मूला के थ्रू होती है, तो एक कंडीशन मान लेते हैं कि हमारे पास एक इंटरव्यू हो रहा है, और उसमें हमारे तीन राउंड हुए इंटरव्यू के, और कुछ कैंडिडेट्स आए
इंटरव्यू देने। और उनका रिजल्ट जो निकला वो यस नो में, मतलब अलग अलग इंटरव्यूअर थे, किसी ने पास किया किसी ने फेल किया, पर हमारी कंडीशन क्या है, पास होने की। कि जब तीनों में यस हो तो सिलेक्ट होना चाहिए। तो देखिए इफ का फॉर्मूला नेस्टेड में भी हम चला सकते हैं इसके लिए, मतलब एक इफ के अंदर दूसरा इफ, तीसरा इफ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आसान तरीका क्या है कि हमारे पास एक एंड का फॉर्मूला है। अब देखिए कंडीशन में क्या है कि हमें ये चेक करना है, क्या ये सेल इक्वल टू वाई है, क्या ये सेल इक्वल टू वाई है, क्या ये सेल इक्वल टू वाई है। यानी कि तीन कंडीशन बनाऊंगा मैं, और जब तीनों का रिजल्ट जो है ट्रू में आएगा तो मुझे सिलेक्टेड शो करवाना है। तो इसको तोड़ देते हैं कंडीशंस को। हमारे पास सिंपल एंड का फॉर्मूला वो क्या करता है कि जब आपके तीन लॉजिकल टेस्ट जैसे हमने दिया था वैसे तीनों यहां दे देते हैं इक्वल टू वाई कॉमा करके दूसरा लॉजिकल टेस्ट दे देते हैं, क्या ये इक्वल टू वाई, तीसरा लॉजिकल टेस्ट दे देते हैं, क्या ये इक्वल टू वाई। तो इस तरह से इसने ट्रू फॉल्स में रिजल्ट दे दिया। तो देखिए ट्रू वहां आ रहा है जहां तीनों में वाई 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 है। हो क्या रहा है यहां पे ये देखेंगे हम। पहली कंडीशन ट्रू हुई, यहां दूसरी फॉल्स हो गई, यहां तीसरी ट्रू हो गई। तो एंड का फॉर्मूला क्या करता है, अगर ये भी ट्रू हो तीन, मतलब तीनों ट्रू होती ना तो ही आगे ट्रू पास करता। अब एक भी फॉल्स हो गई इसमें से तो ये आगे क्या करेगा, फॉल्स पास करेगा। ठीक है जी। तो ट्रू सिर्फ यही पास करेगा जहां तीनों कंडीशन आपकी ट्रू हो। दूसरा मेथड है इवेल्युएट फॉर्मूला का। फॉर्मूला टैब में इवेल्युएट फॉर्मूला है, आप यहां से भी देख सकते हैं कि क्या हुआ। यहाँ ट्रू है, यहाँ ट्रू है, यहाँ ट्रू है, तो फिर ट्रू रिटर्न किया इसने। ठीक है जी। अब यहाँ तो इसने ट्रू फॉल्स दे दिया, तो हम क्या करते हैं रिजल्ट के लिए इफ का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। इफ के फॉर्मूला को लॉजिकल टेस्ट चाहिए। लॉजिकल टेस्ट से तात्पर्य यह है कि इसको ट्रू या फॉल्स में ही रिजल्ट चाहिए। तो जब यहां से आ रही है हमारे पास रिजल्ट ट्रू फॉल्स में, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं इस रेफरेंस को। देन अगर यहाँ पे ट्रू आता है तो कर देते हैं सिलेक्टेड, अदरवाइज रिजेक्टेड। ठीक है जी। आपको एक साथ करना है तो इसमें से यहां से इक्वल टू से पहले कॉपी कर दीजिए, देन इसमें जाके जहां आपने रेफरेंस लिया है E15 यानी कि ये वाला, यहां पे इसको सेलेक्ट करके ये फॉर्मूला यहां डाल दीजिए। और इसको कट करके यहां पेस्ट कर दीजिए, कॉपी करके नहीं कट करके। क्योंकि तो कॉपी में क्या होता है, देखिए जब मैं कॉपी करके यहां डाल देता हूं और F2 दबाता हूं तो ये रेफरेंसेस कहां के ले रहे हैं, इनके सामने के। ठीक है जी। पर उसी जगह में अगर कट करके डालता हूं किसी और जगह तो ये रेफरेंसेस कहां के लेता है, उसी जगह के जहां से ये आया होता है। ठीक है जी। तो हमेशा ऐसे केसेस में कट ही यूज करना है। ठीक है जी। अब मान लीजिए कि
इसी कंडीशन को थोड़ा सा बदल देता हूँ और का फॉर्मूला देखते हैं। अब मैंने ये कह दिया कि इनमें से कोई भी एक में अगर पास हो, कोई भी एक में अगर पास हो गया तो हम रख लेंगे, एक भी इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे, ठीक है जी। अब एंड में क्या हुआ था कि हमने तीनों में कहा था कि यस ही चाहिए। अब इसमें क्या है कि किसी में भी एक में यस मिल जाए, तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे हम, और का। और का फॉर्मूला क्या करता है, इसमें भी एंड की तरह ही तीन कंडीशन, चार कंडीशन जितनी मर्जी दे सकते हम, यहां सेम एंड के फॉर्मूला की तरह ही डालेंगे। बट इसका वर्किंग स्टाइल क्या है कि तीनों में से किसी में भी अगर ट्रू आता है तो ये आगे ट्रू देगा। यहां देखेंगे, यहां देखें तो किसी में भी, यहां तो दो में ट्रू है, एक में भी आता तो भी आगे ये ट्रू ही देता। ठीक है जी, और वही आपका सिलेक्टेड रिजेक्टेड का है, वो इसके फॉर्मूला के थ्रू कर लीजिए। वैल्यू ऑफ ट्रू सिलेक्टेड, वैल्यू ऑफ ट्रू रिजेक्टेड, ठीक है जी। तो इसमें आपके पास एंड का फॉर्मूला हो गया और का फॉर्मूला हो गया। बाकी आपके पास नॉट का फॉर्मूला है। नॉट का फॉर्मूला कुछ खास नहीं करता, आपके रिजल्ट को रिवर्स कर देगा। ये जो आपके पास ट्रू फॉल्स आ रहा है ना, अब नॉट का फॉर्मूला जानिए, इसके उल्टा रिजल्ट मिल जाएगा आपको, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। अब देखिए इसका रिजल्ट क्यों कर रहा है, इसका नॉट का यूज क्या होता है। जैसे आपने अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग की होगी तो वहां पे क्या था कि फॉर्मूला वही एक्सेप्टेड है, मतलब उसी पे चेंजेस होता है जहां पे रिजल्ट ट्रू हुआ है। तो हर एक का रिजल्ट तो ट्रू आता नहीं है, मतलब किसी कंडीशन में फॉल्स भी हो जाता है। कई जगह ऐसी जरूरत पड़ जाती है जहां पे हमें ट्रू पे फॉर्मेट करवानी है पर रिजल्ट आ रहा है फॉल्स में, फॉल्स का ट्रू करवाना है, ट्रू का फॉल्स करवाना है, रिवर्स करना है, उस जगह हम नॉट का यूज करते हैं। इसके बाद है आपका एक फॉर्मूला बचता है इफ एरर। बाकी यहां पे देखेंगे ट्रू और फॉल्स, ये आप ट्रू फॉल्स वैसे लिख दीजिए या ये इक्वल टू लगा के लिख दीजिए, तो ये ट्रू का ट्रू रिटर्न करेगा, फॉल्स का फॉल्स, इनका कोई यूज नहीं है। फॉर्मूला देखने इफ एरर, अगर आपके पास कोई काम करते हुए एरर आती है या फिर इस तरह की ये कोई भी एरर आती है तो आप काम कर रहे हैं, ये तो बुरी लगती है दिखने में, आप इसकी जगह क्या कर सकते हैं कि कोई भी फॉर्मूला अगर आपका एरर रिटर्न करना है तो इफ एरर का फॉर्मूला लगा सकते हैं और उसके बीच में वो फॉर्मूला दे दीजिए जो भी है। और वैल्यू इफ एरर में देना है कि अगर एरर आए तो क्या शो करना है, आपको कस्टमाइज मैसेज शो करना है या फिर कुछ नहीं शो करना है तो आप ब्लैंक भी शो कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं शो करना है तो यहाँ ब्लैंक शो कर सकते हैं,
और अगर इनमें से कोई फॉर्मूला अगर एरर रिटर्न करता है तो ये एरर में आपको ब्लैंक दे देगा, ठीक है। तो ये थी सर आज की क्लास, बाकी आगे की क्लास जी सर लेंगे कल। आपकी मैं ईमेल आईडी ईमेल आईडी मुझे मैसेज कर देते हैं आप इस पे। अच्छा, मैं आपको क्लास भेजता हूँ। ठीक है जी, गुड नाइट।